बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूँ शिवानी। मैं हूँ कुणाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो मिफ्ताही चैनल से है और यह है पार्ट 45 का पार्ट 2 और वीडियो का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। तो गाइस इसका हमने पार्ट किया था, मतलब पूरी वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं और अभी सेकंड की बारी है। तो आप मिफ्ताही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनके चैनल का लिंक और वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 45 का पार्ट 2। जैसे कि पहला सरिया जिसे सरिये हमजा या सरिये सैफुल बहर भी कहा जाता है। देखिए ये जो नाम रखे जाते थे, ये जंग के और गजवे के नाम अक्सर जो उस जंग के अमीर होते थे उसके नाम से मशहूर है या जिस जगह जंग होती थी उस नाम से वो जंगे या गजवे या सरिये मशहूर होते थे। जैसा ये पहला सरिया जिसके अमीर हजरत हमजा थे तो इसे सरिये हमजा भी कहा जाता है और जिस जगह पर ये जंग हुई थी उस मकाम का नाम सैफुल बहर था, इसलिए इसको सैफुल बहर भी कहा जाता है। तो आगे भी जो सरियों के नाम आएंगे वो तो अमीर के नाम से आएंगे या तो फिर उस जगह के नाम से आएंगे। और सरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए, और गजवा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए। तो ये पहला सरिया था जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 7वें महीने के बाद सन 1 हिजरी में रमजान मुबारक या रबीउल अव्वल में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 30 मुहाजिर सहाबा के साथ सैफुल बहर एक जगह का नाम है वहां पर रवाना किया, ताकि कुरैश के 300 सवार जो काफिला था जिसका सरदार अबू जहल था उसका पीछा किया जा सके। हिजरत के बाद ये पहली जंग और पहला सरिया था। इस सरिये में सिर्फ मुहाजिरीन थे, कोई अंसारी सहाबी नहीं था। इस जंग में इस्लाम का वो पहला झंडा था जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरत हमजा के हाथों में बांधा था, जिसका रंग सफेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले अबू मुरसद थे। जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला सैफुल बहर पहुंचे और दोनों का आमना सामना हो गया जंग के लिए, यहां तक के सफे तक लग गई, तो कबीले जुहेना के सरदार मजदी बिन अम्र जुहनी ने दरमियान में भाग दौड़ करके बीच बचाव करा दिया और जंग को टाल दिया, और अबू जहल काफला लेकर वहां से वापस चला गया और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला बिना जंग किए वापस मदीना तशरीफ ले आए। दूसरा सरिया जिसे सरिये उबैदा बिन हारिस या सरिये राबिक भी कहा जाता है, यह सरिया हिजरत के 8वें महीने में हुआ जिसमें 80 या 100 मुहाजिर सहाबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा बिन हारिस को अमीर बनाकर राबिक नाम की जगह की तरफ भेजा, उसमें भी कोई अंसारी सहाबी नहीं थे। वहां पहुंचकर कुरैश के 200 सवारों से आमना सामना हो गया जिसमें अबू सुफियान भी था, मगर लड़ाई की नौबत नहीं आई। इसी लड़ाई में हजरत अबू उबैदा का जो झंडा था उसका रंग सफेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले मिस्ताह बिन असासा थे। इस लड़ाई में सिर्फ साद बिन अबी वक्कास ने एक तीर चलाया था और यह पहला तीर था जो इस्लाम की तरफ से चला था। तीसरा सरिया जिसे सरिये साद बिन अबी वक्कास या सरिये खर्रार भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 20 पैदल मुहाजिरीन शरीक थे। साद बिन अबी वक्कास उसके अमीर थे जो मकामे खर्रार की तरफ कुरैश के एक काफले का पता लगाने के लिए रवाना हुए थे। ये काफले की खास बात यह थी कि ये दिन में तो छुप जाता था और सिर्फ रात में सफर करता था। इसी तरीके से चलते चलते ये काफला 5वें दिन मकामे खर्रार पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि कुरैश का काफला तो निकल चुका है, तो ये लोग बिना लड़ाई के मदीना वापस आ गए। इस काफले में भी कोई अंसारी सहाबी नहीं था। इस लड़ाई का झंडा यानी आलम भी सफेद रंग का था और आलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत मिकदाद बिन अम्र थे। और ये तीनों सरिये यानी तीनों लड़ाइयां 1 हिजरी में हुए यानी हिजरत के पहले साल। उसके बाद सन 2 हिजरी में सफर के महीने में
गजवे अबुआ या इबुआ पेश आया। ये पहला गजवा था जिसमें सरकार दो आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस शरीक हुए, जिसका मकसद कुरैश के एक काफले को रोकना था। और ये आपका पहला गजवा था और आपका आखिरी गजवा गजवे तबूक था। इस गजवे में 60 मुहाजिर सहाबा शामिल थे, इसमें भी कोई अंसारी सहाबी नहीं था। आप मकामे अबवा की तरफ बनू जुमरा पर हमला करने की भी नीयत से चले थे। साद बिन उबादा को अपने अपना जानशीन बनाया। इस गजवे का झंडे का रंग भी सफेद ही था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे अबवा पर पहुंचे तो कुरैश से मुठभेड़ नहीं हो सकी, क्योंकि वो भी वहां से निकल चुके थे। सिर्फ बनू जुमरा के जो सरदार थे मख्शी बिन अम्र, आप उससे सुलह करके मदीना वापस आ गए। ये सुलहनामा और ये एग्रीमेंट इन शराइत और इन कंडीशन पे हुआ था कि बनू जुमरा कभी मुसलमानों से जंग नहीं करेंगे और न मुसलमानों को कभी धोखा देंगे, और जरूरत पड़ी तो मुसलमानों की मदद भी करेंगे। इनको उन्होंने माना, इस पर सुलह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जंग नहीं की, क्योंकि जो सुलह के लिए आगे बढ़ जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कभी उनसे जंग नहीं की। इस गजवे को गजवे उद्दान भी कहा जाता है, क्योंकि अबुआ से उद्दान सिर्फ 6 मील के फासले पर है। उसके बाद गजवे बवाद या बवाद पेश आया, जो सन 2 हिजरी में पेश आया, रबीउल अव्वल का महीना था। इस गजवे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा को लेकर रवाना हुए। मकसद कुरैश के एक काफले पर हमला करना था, जिसमें उमैया बिन खल्फ समेत कुरैश के 100 आदमी और 2500 ऊंट थे। लेकिन उस मकाम पर पहुंचने पर कोई मामला पेश नहीं आया तो आप वापस आ गए। इस गजवे का परचम भी सफेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत साद बिन अबी वक्कास थे। उसके बाद गजवे सफवान सन 2 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में ही पेश आया। इस गजवे की वजह यह थी कि कुर्ज बिन जाबिर फहरी ने मुशरिकीन की एक छोटी सी टोली लेकर मदीना के एक चरागाह पर हमला कर दिया था और बहुत सारे जानवर लूट कर फरार हो गया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को लेकर उसका पीछा किया और बदर के पास एक मकाम है सफवान, वहां तक आप तशरीफ ले गए। लेकिन कुर्ज और उसके साथी नहीं मिले, क्योंकि वो बहुत स्पीड में भाग गए थे। इसलिए बिना किसी टकराव के और बिना किसी लड़ाई के आप मदीना वापस आ गए। इस गजवे को बदरे उला यानी पहली बदर भी कहते हैं। इस गजवे का परचम भी सफेद था और अलम बरदार हजरत अली रजी अल्लाह तआला थे। उसके बाद गजवे अशीर, जो सन 2 हिजरी के जमादिल अव्वल के महीने में पेश आया। इस मुहिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 मुहाजिरीन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मजबूर नहीं किया था, क्योंकि सवारी के लिए सिर्फ 30 ऊंट थे और बारी बारी लोग एक दूसरे पर सवार होते थे। इस गजवे का मकसद भी कुरैश का एक काफला था जो मुल्क शाम जा रहा था। मालूम हुआ कि वो मक्का से निकल चुका है और इस काफले के पास अच्छा खासा माल भी है। उस पर हमला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल अशीर पहुंचे, लेकिन ये काफला कई दिन पहले निकल चुका था, इसलिए आप बगैर जंग के वापस आ गए। इस दफा भी परचम सफेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला थे। फिर उसके बाद सरिये नखला सन 2 हिजरी के रजब के महीने में पेश आया। इस मुहिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 12 मुहाजिरीन का एक दस्ता हजरत अब्दुल्ला बिन जहश को अमीर बनाकर आपने भेजा। हर 2 आदमी के पास एक ऊंट था जिस पर ये बारी बारी सवार होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहरीर एक चिट्ठी लिखकर अमीरे लश्कर को दी थी और कहा था कि जब 2 दिन का सफर मुकम्मल हो जाए तभी इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना। जब वो चिट्ठी पढ़ी गई यानी 2 दिन के सफर के बाद जब वो चिट्ठी पढ़ी गई तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तुम इस तहरीर को पढ़ो, जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ो तो आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत आओ, आगे बढ़ते जाओ। मक्का और ताइफ के दरमियान नखला में उतरो, वहां पर ठहरो और कुरैश के एक काफले की घात में लग जाओ और वहां की खबरें हम तक भेजते रहो।
अमीर लश्कर अब्दुल्ला बिन जहाश ने वो चिट्ठी पढ़ी और अपने साथियों से कहा कि देखो, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। जिसे शहादत पसंद नहीं है, अल्लाह के रास्ते में मरना पसंद नहीं है, वो वापस चला जाए, और जिन्हें शहादत पसंद है वो मेरे साथ आगे बढ़े। तो सब के सब खड़े हो गए और कहा कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हमें शहादत पसंद है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि कुरैश का एक काफिला वहां ठहरा हुआ है और उनके पास काफी सामान्य तिजारत है, किशमिश और चमड़े की कुछ कीमती चीजें भी है। सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि आज हराम महीने का आखिरी दिन है, यानी रजब के महीने का आखिरी दिन है, और ये चार महीनों में अरब में लड़ाई को हराम समझा जाता था। सहाबा ने मशवरा किया कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो इस महीने की बेहुर्मती हो जाएंगी, इसलिए हम रात भर रुक जाते हैं। लेकिन पता नहीं एक सहाबी ने एक तीर चलाया और एक शख्स अम्र बिन हजरमी को मार दिया। उससे लड़ाई शुरू हो गई और अच्छी खासी मुठभेड़ हुई। तो सहाबा ने माल गनीमत को लिया और लेकर मदीना पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रुदा सुनाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और नकीर फरमाई और कहा कि मैंने तुम्हें हराम महीनों में जंग करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन इस हादसे की वजह से और इस लड़ाई की वजह से मक्का वालों को प्रोपेगेंडा करने के लिए एक मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि देखो, मुसलमानों ने हराम महीने को भी जंग के लिए हलाल कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए आपको बताया कि मुशरिकीन ने जो किया, मक्का वालों ने जो किया, वो ईमान वालों से कई ज्यादा बुरा था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कहिए कि ज्यादा नेक और होशियार बनने की जरूरत नहीं करे, क्योंकि तुमने जो मामलात किए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बुरे और खतरनाक है। इन सारे गजवात और इन सारी लड़ाइयों की वजह से मक्का वालों को अब मालूम हो गया था कि मुल्क शाम की तिजारत का रास्ता जो मदीना से होकर गुजरता है, अब वो इंतहाई खतरे में आ गया है। और मक्का वालों का सारा दारोमदार, सारी इकोनॉमी मुल्क शाम की तिजारत पर ही थी, और वो कमजोरी ईमान वालों को पता थी, इसलिए उनकी हर हर हरकत पर और हर हर काफले की वो खबर रखते थे, उनका पीछा करते थे, उनकी घात में रहते थे। क्योंकि दुनियादारों का मामला ये होता है कि उनकी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी उनकी जान पर अगर हमला किया जाए तो उनको इतना दुख नहीं होता है जितना उनके माल पर हमला किया जाए तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए मक्का वाले अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और यही गुस्सा, यही तैश उन्हें बदर के मैदान तक ले आया था। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये आज का वीडियो बहुत जरूरी था ताकि हम जो छोटे छोटे जो गजबे हुए या छोटी छोटी जो लड़ाइए और जो सराये हुए उसके बारे में हम मालूमात ले और जंग बदर क्यों वाकई हुई उससे पहले का बैकग्राउंड हम समझ ले। इसलिए हमने आज के वीडियो में जो सुना कि मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा पर किस तरह से जुल्म किए। 13 साल तक कोई मामूली अरसा नहीं होता है, 13 साल तक सख्त अजाब और सख्त तकलीफें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने सही, लेकिन अल्लाह की तरफ से चूंकि तलवार उठाने का हुक्म नहीं था इसलिए आप सब्र और शुक्र के साथ सारी तकलीफें सहते रहे। लेकिन अब अल्लाह की तरफ से तलवार उठाने का हुक्म मिल गया था, इसलिए अब मक्का वालों की खैर नहीं थी, क्योंकि जुल्म करने की एक हद होती है, जब वो हद खत्म होती है तो फिर उसके मिटने का वक्त आ जाता है। जाल हक व जहाक अल बातिल, हक आया और बातिल खत्म हो गया। यहां से आगे ईमान वालों के फतेह और ईमान वालों के कामयाबी के किस्से ही हम सुनेंगे, क्योंकि 13 साल हमने सिर्फ तकलीफें सुनी। अब किसी को ऐसा लगता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला तो वो ये सारे पार्ट्स देख ले, और मक्का वालों ने और कुरैश ने जो ईमान वालों पर जुल्म किए और जो कत्ले आम किया और जो दरिंदों जैसा जो सुलूक किया, क्या उसके बाद भी 13 साल तक कोई खामोश रह सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खामोश रहे। उसके बाद ये जंगे बदर की नौबत आई, क्योंकि जंग करनी पड़ी, क्योंकि अब टू मच हो गया था, इनफ इज इनफ।
यानी अब बहुत हो गया था, अब जुल्म का खात्मा जरूरी था। तो हम कल इंशाल्लाह बदर का वाकया सुनेंगे और हमारा जो क्विज कंपटीशन यानी सीरत का जो सवाल जवाब का इनामी मुकाबला होने वाला है, उसका जोश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे पुणे के एक नादिर भाई, उन्होंने अपने बच्चों के कुछ तस्वीरें भेजी और कहा कि मौलाना हमारे बच्चे आपके वीडियोस देखकर क्विज कंपटीशन की तैयारियां देखो कैसी कर रही है। ये फोटोज आप देखें, बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और नोट्स लिख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए मैं ये फोटोज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी उनकी इजाजत लेकर। अगर आप भी इस सीरत के क्विज कंपटीशन को लेकर इसी तरह की तैयारियां कर रहे हैं या आपके बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके फोटोज शेयर किए जाए ताकि लोगों को हिम्मत मिले, लोगों को हौसला मिले, तो आप अपने बच्चों के फोटोज या आपके फोटोज जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आगे तक इसकी दावत चलाएं, क्विज कंपटीशन की दावत चलाएं, ताकि ये आपको आपके लिए सदका जारिया बने और आपके लिए सवाब का जरिया बने। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, सबसे पहले तो जो बच्चों की फ़ोटो दिखाई है ना, कितने क्यूट लग रहे थे वो बच्चे। वो तीनों के पास फ़ोन था और कानों में हेडफोन लगाए हुए थे उन्होंने, ईयरफोन, और पेपर और पेन लिया हुआ था और सुन रहे थे, मतलब पूरे नोट्स बना रहे थे कि मतलब कब कहाँ क्या बोला गया, एक एक चीज़ का नोट्स बना रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था यार, मतलब बहुत इस चीज़ से ना अवेयरनेस हो रही है ना कि नबी साहब की जो भी लाइफ थी उसको छोटे छोटे बच्चे भी इंटरेस्ट लेकर के कर रहे हैं, कि मतलब हमें भी जानने की क्या कहते हैं, जानने को मिल रहा है। और क्विज के जरिए तो बच्चों के दिमाग में और दिल में और उतर जाएंगी ये चीज़। ये होता है ना कि जीतना है, जीतना है, हमें कुछ मिलेगा, उस चक्कर में ना और बच्चा ध्यान देता है, बच्चा का बड़ा भी ध्यान देता है उस चक्कर में। जब कुछ आता है ना कि यार कुछ ना कुछ मिलेगा तो ध्यान से देखो, वैसे ही सब कुछ नबी हुजूर साहब के ऊपर सब कुछ है, तो बंदा सुनता है, काफ़ी इंटरेस्ट सुनता है और वो ऊपर से पता लगे कि कुछ ना कुछ क्विज है। तो क्विज में इनाम कुछ भी हो, 5 रुपए वाला पेन हो, वो मैटर नहीं करता, क्विज को जीतना मैटर करता है, विनिंग मैटर करते है कि भाई हमने जीतना है। अब 5 रुपए वाला पेन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खुशी जो होती है ना। मैं को याद है, मैं एक बार स्कूल में मैं एक पेन जीता था, वो 20 रुपए का पेन था, जब मैं 6th में था, फेयर स्कोटी करके ऐसा कुछ पेन आता था, तो वैसा कोई पेन था, मैं 20 वाला कोई कॉम्पिटिशन हुआ था, मैं जीता था, मेरे को इतनी खुशी मिली थी उस टाइम। वो पैसे मैटर नहीं करते कितने का प्राइस है, बट प्राइस मिला है वो चीज़ मैटर करती है। तो अभी जो वीडियो आ रही है ध्यान से सुनिए, जो नाम मिफ्ताही साहब बोल रहे हैं वो समझिए और कहीं नोट्स बनाइए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ध्यान से सुने और जो आने वाला क्विज कंपटीशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करें। मे भी हो गया, बट हम अपनी नॉलेज के लिए दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ हमें नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, बट हम अपनी अवेयरनेस के लिए हम इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, तो पार्ट 46 में पता चलेगा हमें जंगे बदर के बारे में डिटेल में। अभी उसके हालात जो हल्किल के जो थे वो पैदा हुए हैं, क्यों हो रहा है, मक्का वाले और कुरैश के कबीले वाले, बिल्कुल बिल्कुल। बट नबी के पास भी काफ़ी फौज है, मैं ये देखकर, ईमान वाले लोग काफ़ी, ईमान वाले लोग काफ़ी हैं और सब लोग, मतलब जैसे बता रहे थे ये कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, 200 लोग, 300 लोग, कभी 200 लोग का ग्रुप ले जाते थे ना भाई, कभी 300 लोग का ग्रुप ले जाते थे। और यहाँ तक इतना भी किया उन्होंने कि जो कबीले वाले थे उनके पास ऐसे बंदे भेजे ताकि उनकी जो भी जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो नबी तक पहुँचाई जा सके या नबी के लोगों तक पहुँचाई जा सके, मतलब तो अपडेट रख रहे थे एक तरह से। हाँ, तो ऐसे लोग भी थे ना ईमान वाले कि उनको ना डर के कि भाई हमें कुछ हो जाएगा या हमें कोई पकड़ लेगा तो ये होगा, तो इतना साहस दिखा रहे थे कि मतलब जाके वो इतनी इन्फॉर्मेशन ला पा रहे थे। ऐसा पता काफ़ी बार इतिहास में हुआ है कि ना
एक तरफ राजा की फौज होती है और एक तरफ नॉर्मल लोग होते हैं, वो जब राजा से परेशान होकर लड़ने लगते हैं, तो वो क्या होता है, जो राजा की फौज होती है उसमें होते हैं सिपाही, वो अपने लिए नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं सिर्फ राजा के लिए कि भाई ये हमें पैसा देगा, हमने पैसों के लिए लड़ना है बस। जो लोग अपने लिए लड़ते हैं ना, ईमान के लिए लड़ते हैं अपने, उनका ना जोश अलग ही होता है, बिल्कुल उनका होता है कि भाई हमने चीज़ जीतनी है, जोश उनका ना अलग ही लेवल पे होता है। तो मक्का वाले जो लोग थे उस टाइम कुरेश कबीले के, वो उस टाइम मे भी वो उनके पास पैसे की ही फौज होगी कि पैसा दो और फौज करो इकट्ठा करो, बट मदीना के जो लोग थे ना उस टाइम, तो वो हुजूर के साथ थे, ईमान वाले थे, और उनमें जोश जो जज्बा ना वो बहुत ज़्यादा था। तो जब वो जब हुजूर ने उनको कहा कि आप दो दिन बाद जाके वो जो लेटर है वो खोलना, उन्होंने ओपन किया तो उनको आगे का पाथ दिखाया गया था कि आपने कहाँ पर जाना है, कहाँ जाके रुकना है, और जो मदीना मक्का में जो कुरेश है उसका आपने उनके बारे में खबर इकट्ठा करनी है, जानना है, पहचानना है, और वो खबरें में हम तक पहुँचानी है। हाँ, तो उस टाइम फिर वहाँ के लोगों ने कहा था कि देखो ये यहाँ पर ना शहादत हो सकती है, तो जिसको नहीं शहादत देने के लिए तैयार वो चले जाएं, बट कोई नहीं है, सारे वहीं थे। मतलब जाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि 13 साल तक इतना ज़्यादा जुल्म कौन सहेगा, बिल्कुल है ना, 13 साल तो सिर्फ बोलने में इतना छोटा सा डिजिट लग रही है, लेकिन 13 साल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, 13 साल तक जुल्म सहा वाक्य में। और खुशी की बात यह है कि जैसे बता रहे हैं कि अगले एपिसोड्स में हम क्या कहते हैं, जंग-ए-बदर या कोई भी जंग होगी उसमें जीत की ही न्यूज़ सुनेंगे कि जीत हो रही है, और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला बिल्कुल। था 13 साल तक सब्र किया था, उसके बाद भी वही आने का इंतज़ार हुआ था, उसके बाद तलवारें उठी थी, वो तलवारें बट वो गलत काम को सही करने के लिए थी, जो मक्का के लोग जो चाले चल रहे थे उनको सही करने के लिए वो तब उठे थे तलवारें, और आगे के जो यहूदी लोग जो अपने क्या कहते हैं षड्यंत्र जो रच रहे थे उनके खिलाफ तलवारें उठी थी, तो वो इन फ्यूचर में आगे बताया जाएगा। तो चलते हैं गाइस, मिफ्ताही चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।